Myself Dilip Kumar, Assistant Professor in RK College of Pharmacy, Naini Prayagraj. हमारा स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा था, कितना हेल्पफुल है हमारे और भी बॉडी ऑर्गन के लिए डाइजेस्टिव। और लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो स्टोमक के बारे में डिस्कस किया था कि स्टोमक का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन क्या क्या है, और उसके हिस्टोलॉजी हमने कल पढ़ी थी लास्ट क्लास में। तो आज स्टोमक के बारे में और हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे उसमें जाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आज जीआई ट्रैक के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या है उसके फंक्शंस क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है आपका फंक्शन ऑफ स्टोमक। स्टोमक की कल हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी, फिर आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा होगा वो स्टोमक का स्ट्रक्चर है, तो इस डायग्राम के को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्टली रिवाइज हो जाएगा कि ये आपका जे शेप स्ट्रक्चर है। आपका जो स्टोमक होता है इसमें कार्डियक होता है, फंडस होता है, बॉडी पार्ट होता है, और ये एंट्रम होता है, ये पाइलोरस पार्ट होता है, जिसमें ये कार्डियक है, यहाँ एक वॉल्व होता है जैसा कि हमने कल वाले लास्ट वाले डायग्राम में पढ़ चुके हैं, जो कि आपके रिटर्न एंट्री को आपको प्रोटेक्ट करता है। ये बॉडी पार्ट है जहाँ आपके फूड मटेरियल आके स्टोर होता है, डाइजेस्ट होता है, क्रशिंग होती है, उसके लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, और यहाँ पे एंट्रम होता है जहाँ पे आपका जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो आके यहाँ पे स्टोर होता है और रेडी होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए। ये पाइलोरस का पार्ट है, यहाँ पे जब आपका फूड पहुँचता है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जब यहाँ पहुँचता है तो वो रेडी होता है कहाँ के लिए, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए रेडी हो जाता है कि अब तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करना है। और ये इंस्ट्रक्टर कहलाते हैं, तो यहाँ इंस्ट्रक्टर लगा हुआ है जो कि आपके मूवमेंट को रोकता है और पासेज प्रोवाइड करता है आपके जो पाइलोरस में पार्ट होते हैं, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं, ठीक है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए। और ये देखिए टू ड्यूडेनम लिखा है जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ओके, और स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी, तो हिस्टोलॉजी को थोड़ा सा यहाँ थॉरली रिवाइज कर लेते हैं कि हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक क्या होती है। तो हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक में उसके तीन पार्ट्स होते हैं, चार पार्ट होते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सिरोसा। तो जो म्यूकोसा होती है उसमें सरफेस एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसी होती है। इसी में आपके गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं जहाँ से गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक सिक्रीशन होता है, डिफरेंट एसिड का सिक्रीशन होता है, ठीक है। और इस सब म्यूकोसा इसमें आपकी जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स की होती है, जिसमें आपके ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स होते हैं। मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो कि बेसिकली आपके मस्कुलर टिश्यूज के फॉर्म होती है, और सिरोसा जिसमें आपकी नर्व वेन्स होती हैं, जो ब्लड वेन्स होती हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी थॉरली हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ने जा रहे हैं हम फंक्शन ऑफ स्टोमक पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपके सामने शो हो रहा है फंक्शन ऑफ स्टोमक में हमारा तीन मेन फंक्शन है। पहला क्या, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, सेकेंड वन मिक्सिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड, थर्ड वन डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसको हम स्टडी करते हैं कि इन तीन फंक्शंस में आखिर में होता क्या है, स्टोमक इन तीन फंक्शंस में करता क्या है। तो पहला है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, तो जैसा कि आपको इसके स्पेलिंग से ही समझ में आ जा रहा है प्रोनाउंसिएशन के, स्टोरेज ऑफ फूड मतलब कि ये आपके फूड को स्टोर करके रखता है। जहाँ से मतलब आपने अगर कोई फूड लिया तो आपके वो फूड का स्टोर कहाँ होगा, तो वो होगा आपके स्टोमक में, ठीक है। अब इसको आगे क्या देखते हैं, इसमें लिखा है पासेस फ्रॉम एसोफेगस टू स्टोमक, ठीक है। तो एसोफेगस से पास होके आपके स्टोमक में आके ये स्टोर हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, हेल्ड फॉर 2 आवर्स और लॉन्गर, मतलब ये 2 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा आपके इसमें रहता है, कहाँ, स्टोमक में, ठीक है। सेकेंड वन क्या है, आपका मिक्सिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब कि आपका जो फूड है उसको मिलाना और उसको तोड़ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में। आप कोई फूड लेते हो, कोई भोजन लेते हो, खाते हो, तो वो एज ए लार्ज अमाउंट रहता है, तो लार्ज अमाउंट में तो वो एब्जॉर्ब होगा नहीं, उसके लिए उसको ब्रेक डाउन उसके स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ेगा। तो वो कहाँ होता है, तो आपके स्टोमक में ही होता है। लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड को स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड में उसको फ्रैगमेंट करता है, तोड़ता है या ब्रेक डाउन करता है। अब ये ब्रेक डाउन होता कैसे है, तो बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स लेयर, मतलब कि
आपके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसकी, मसल्स की, कौन सी मसल्स जो आपके स्टोमक में प्रेजेंट है, जैसा कि कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जैसा सब म्यूकोसा वगैरह है या मस्कुलस एक्सटर्ना है जिसमें सर्कुलर लेयर, लॉन्गिट्यूडनल लेयर और ऑब्लिक लेयर वाली मसल्स होती हैं, उन्हीं मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से इस फूड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। थर्ड वन क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब उस फूड जो अब आपके स्टोमक में आके स्टोर हो चुका है उसको अब पचाना है। पचाने के लिए क्या होता है, आपके डिफरेंट एसिड्स और गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह आपके स्टोमक में रिलीज होते हैं, ठीक है। अब एक स्टार लगा हुआ पॉइंट है क्या है? कि स्टोमक ओनली एब्जॉर्ब वाटर एंड अल्कोहल एंड सम ड्रग्स, मतलब कि आपके स्टोमक में सिर्फ वाटर, अल्कोहल और कुछ ड्रग ही एब्जॉर्ब होती हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ें एब्जॉर्ब यहाँ नहीं होती स्टोमक में। तो कहना यहाँ ये गलत होगा कि आपका फूड स्टोमक में एब्जॉर्ब होता है, ये कहना गलत होगा। यहाँ पे सिर्फ उस फूड में से क्या होता है, तो उस फूड में का ब्रेकडाउन और डाइजेशन होने के बाद उसमें से जो आपने फूड लिया है तो उसमें से वाटर और अल्कोहल और कुछ ड्रग्स ही एब्जॉर्ब होती हैं स्टोमक में, जो कि बेसिकली बनी होती हैं स्टोमक के लिए ड्रग्स, ठीक है। एक और स्टार पॉइंट जो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड डेली, मतलब कि आपके स्टोमक से 2 लीटर्स ऑफ जूस पर डे सिक्रीट होता है। ये जूस कैसा है, तो गैस्ट्रिक जूस है जो कि आपके फूड को तोड़ने और उसको पचाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक में पढ़ा होगा, उसकी जो सबसे लेयर, बाहरी लेयर, वो क्या है, म्यूकोसा है, ठीक है। अब ये म्यूकोसा एज अ ब्रॉड लेवल काम करता है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि आपको समझने वाली हैं। जैसे म्यूकोसा कंटेन्स स्पेशलाइज सेल्स एंड ग्लैंड, मतलब कि जो म्यूकोसा है आपकी कुछ सेल्स, कुछ स्पेशल सेल्स और कुछ स्पेशल ग्लैंड लिए हुए होती हैं जो कि आपके एसिड को प्रोड्यूस करती हैं। अब कह रहा है टू प्रोड्यूस एसिड, एसिड को ही क्यों प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि जब तक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, बिकॉज एसिड इज रेस्पॉन्सिबल, एसिड एंड एंजाइम्स आर रेस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट द फूड, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ म्यूकोसा में से दे प्रोड्यूस एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि उस एसिड फूड को पचाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। फिर सेकेंड में क्या है, म्यूकोसा जो कि कार्डियक और पाइलोरिक रीजन की होती है, कौन सी, आपके स्टोमक का पार्ट जो है कार्डियक पार्ट फर्स्ट वन पार्ट एंड सेकेंड थर्ड वन पार्ट पाइलोरिक पार्ट जो है रीजन है, उसमें से वहाँ की म्यूकोसा रिलीज करती है म्यूकस, एक तरह का फ्लूइड होता है जो कि म्यूकस रिलीज करती है, जो कि हेल्पफुल होती है किसमें, आपकी स्टोमक की लाइनिन को प्रोटेक्ट करती है एसिड से, ठीक है। कह रहा है कि जो आपके स्टोमक का जो स्ट्रक्चर है, उसके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जिसमें अब कार्डियक आप पाइलोरिक है, उस रीजन की जो म्यूकोसल लेयर होती है वहाँ से एक म्यूकस रिलीज होता है जो कि इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को प्रोटेक्ट करती है एसिड से, ठीक है। क्योंकि अगर एसिड ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है तो अगर उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो आपके स्टोमक की इंटरनल वॉल डैमेज होगी, रप्चर हो सकती है, नुकसान हो सकता है, लीजन्स मतलब घाव हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका म्यूकोसा से जो म्यूकस रिलीज़ होता है कार्डियक और पाइलोरिक रीजन से, वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को प्रोटेक्ट करती है एसिड से, विच जो कि एसिड, एसिड क्या है, तो एसिड विच प्रोड्यूस फॉर डाइजेशन, वो उस एसिड से प्रोटेक्ट करती हैं जो कि डाइजेशन के लिए प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और एक और एंजाइम है यहाँ पे गैस्ट्रिन एंजाइम, हम फर्दर गैस्ट्रिन एंजाइम को डिटेल में पढ़ेंगे, तो पहले यहाँ 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, क्या है कि गैस्ट्रिन एंजाइम स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एसिड एंड सेकेंड वन हेल्प द मसल ऑफ स्टोमक टू स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो गैस्ट्रिन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि एसिड के रिलीज को स्टिमुलेट करता है और स्टोमक की मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में स्टार्ट करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करता है ताकि आगे के डिफरेंट स्टेप्स आपके डाइजेशन के हो सकें, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ समझ में आ रही हैं कि एक जो स्टोमक का म्यूकोसा है वो काफ़ी हेल्पफुल है डाइजेशन के लिए, क्यों, क्योंकि वो आपके एसिड को रिलीज़ करता है, कार्डियक और पाइलोरिक रीजन की म्यूकोसा जो है वो म्यूकस
म्यूकस प्रोवाइड करती है जो कि इनर लाइनिंग या स्टोमक इनर लाइनिंग को हेल्प करती है डाइजेशन के लिए, ओके। और ये गैस्ट्रिन एंजाइम यहाँ हमें एक समझ में आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि दो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, एक रिलीज करता है एसिड की रिलीज को स्टिमुलेट करता है और स्टोमक की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टार्ट करता है, हेल्प द मसल ऑफ स्टोमक टू स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टर्न में हम पढ़ेंगे इसके आगे कि कौन कौन से हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं स्टोमक के। फर्दर आज की क्लास के लिए टिल इतना ही, आज की क्लास आप रिवाइज कर लीजिएगा, नेक्स्ट टर्म पे जब भी हम अवेलेबल होंगे तो हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो भी गैस्ट्रिक हार्मोन की बात कर रहे हैं हम, नॉट अदर हार्मोन, गैस्ट्रिक हार्मोन्स की बात कर रहे हैं कि कौन से हार्मोन आपके स्टोमक से रिलीज हो गए। ओके, थैंक यू।